उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आज दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने काफ़ी बड़ी तैयारियां की हुई हैं। यहां पर 3 पुतले बनाए गए हैं, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला शामिल है। रामलीला के मंचन के बाद इस पुतले का दहन किया जाएगा। विशाल प्रांगण में बना यह पुतला और इसे देखने वाले लोगों की भीड़ हरदोई के दशहरा महोत्सव में जमी हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो यह पुतला बनाया गया है वह कागज और लकड़ी से बनाया गया है। इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में दर्शक यहां पर आए हुए हैं और इसकी यहां पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। रावण को जलाने की व्यवस्था की गई है, उसके लिए काफ़ी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, PSC और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। किसी भी घटना से निपटने के लिए यहाँ पर बाकायदा सभी व्यवस्थाएं की गई हुई हैं और यहाँ पर देखने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। बताते चलें, एक बड़ी फील्ड में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिसे नुमाइश मैदान कहा जाता है, और रावण के पुतले के दहन को देखने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ हरदोई में जमा है। कई दिनों से रामलीला का मंचन हरदोई में चल रहा था, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे। प्रशासन ने किसी भी तरीके की व्यवस्थाओं से निपटने के लिए भारी बंदोबस्त किया हुआ है। पुलिस का भारी बंदोबस्त है यहाँ पर और लगातार पुलिस पूरे मामले पर निगरानी कर रही है। आज रामलीला में रावण के वध के साथ में रावण के पुतले का दहन दशहरा महोत्सव में किया जाना है, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने खासी व्यवस्थाएं की हुई हैं और इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। पुलिस ने अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है और प्रशासन लगा हुआ है।